हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलंपियाड से डिटेल्स लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे सिल्वर जोन ओलंपियाड क्या होता है, इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम डेट 2024 के लिए क्या है, कौन से सब्जेक्ट की कब एग्ज़ाम हो रही है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। साथ ही हम क्लास फर्स्ट के कंप्यूटर पेपर के सैम्पल पेपर एंड सिलेबस भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाएंगे। चलिए ये देखें, यहाँ से हम आपको गूगल पर आ जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हम जो है सिल्वर जोन सिल्वर ओलंपियाड 2024 लिखते हैं तो वैसे ही आपका जो है ये आ जाता है सिल्वर जोन ओलंपियाड, ओलंपियाड सिल्वर जोन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। जैसे ही हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं इस तरह का ये इनका इंटरफेस खुल जाता है। ये सिल्वर जोन का लोगो है। यहाँ पर हम होम पर आ जाते हैं। होम पर हम आते हैं तो इस तरह इनके सिल्वर जोन के टीम ऑर्गेनाइजेशन के ये फोटो हमें दिखते हैं। ये सारे यहाँ पे कौन कौन से ओलंपियाड है, एक ओलंपियाड यहाँ पर होता है आपका स्ट्रीम इनोवेशन ओलंपियाड, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से मिला के ये ओलंपियाड को तैयार किया गया है। फिर है मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल इन्फोटिक ओलंपियाड अर्थात साइबर ओलंपियाड या कंप्यूटर ओलंपियाड, ये आपका हो जाता है जीके ओलंपियाड, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज ओलंपियाड, हिंदी ओलंपियाड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड, यहाँ पर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का अलग से एग्ज़ाम होता है क्लास वाइज, एंड यहाँ पर एक एग्ज़ाम होते हैं इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड, ये आपका हो जाता है आईसीआई सिल्वर जोन ओलंपियाड। तो इस तरह आपने ये देखे इतने सारे ओलंपियाड हैं। यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं इसके रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सारे आपके जो है बताए गए हैं कि कौन सा किस तरह के ओलंपियाड है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ओलंपियाड पर क्लिक करेंगे देखिए इतने सारे ओलंपियाड हो जाते हैं, स्टीम इनोवेशन जो मैंने अभी आपको बताया साइंस मैथमेटिक्स से मिले हुए हैं, ये आपके कॉमर्स ओलंपियाड न्यू ऐड किया गया है और स्टीम इनोवेटिंग ओलंपियाड न्यू ऐड किया गया है। साथ ही पहले से आपका है यहाँ पर इंटरनेशनल इन्फोटिक ओलंपियाड, मतलब आपका हो गया कंप्यूटर ओलंपियाड, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ओलंपियाड, जनरल नॉलेज ओलंपियाड अर्थात जीके ओलंपियाड, सोशल साइंस, रीजनिंग, टैलेंट हंट एंड लिटिल स्टार ओलंपियाड, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी के लिए भी यहाँ पर इस साइट पे आपको ओलंपियाड देखने को मिलते हैं। इसकी एक अलग से मैं आपको वीडियो बना दूँ कि लिटिल स्टार ओलंपियाड क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। अब हम देखेंगे इसके साथ मोर लिंक क्या है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल से अगर आप रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल, स्कूल के द्वारा स्कूल वाले यहाँ से रजिस्टर हो सकते हैं, आप स्कूल के द्वारा इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंस्टेंट डाउनलोड क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से ऑर्डर करके नाउ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस पेपर अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और साथ ही आपको यहाँ पर बाय करना पड़ता है। आपको यहाँ पर फ्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर बुक भी इस साइट के द्वारा अवेलेबल रहती है कि कौन से बुक से आप ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी करें। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, सपोज मान लीजिए इंडिया क्लास फर्स्ट मैथ अगर हम सर्च करते हैं तो इस तरह के इनके पास बहुत सारे सैंपल पेपर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो पीडीएफ में अवेलेबल होते हैं। जैसे मैथ ओलंपियाड 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर क्लास फर्स्ट के यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसके चार्ज है 349। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है आपको यहाँ पर दिए रहते हैं जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार तैयारी करवाएंगे। साथ ही यहाँ पे अगर आपको एग्जाम डेट वगैरह देखना है तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम डेट क्या है यहाँ पर और ओलंपियाड एग्जाम डेट। सबसे पहले हम जान लेते हैं 2024-25 के लिए।
रजिस्ट्रेशन डेट जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2024 है एंड ये डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन फर्स्ट डेट एंड सेकेंड डेट दिए गए हैं, दो डेट दिए गए हैं आपके स्कूल के द्वारा, जो भी डेट चूज की जाती है उस डेट पर आपको एग्जाम देना होता है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल इन्फोटेक ओलम्पियाड अर्थात कंप्यूटर ओलम्पियाड जो 22 अक्टूबर और 26 नवंबर को है, वो चाहे आपका किसी भी क्लास के लिए हो, ये सारे आपको उसी डेट पर होंगे। अगर मान लीजिए इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का दिया गया है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये आप वीडियो को पॉज करके डेट वाइज देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एग्जाम आपका नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीन महीनों में ही कंडक्ट कराए गए हैं इनके एग्जाम। जैसे सपोज मान लीजिए मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो 11 नवंबर और 10 दिसंबर दिया गया है, तो जिस भी क्लास के बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स ओलम्पियाड हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये लेवल वन क्लास फर्स्ट से 12 तक के बच्चों के लिए एग्जाम करवाई जाती है। जो बच्चा लेवल वन में पास हो जाता है वही नेक्स्ट एलिजिबिलिटी लेवल टू के लिए रहता है, अर्थात यहाँ पर सभी पेपर जो है दो लेवल में एग्जाम होती है उसकी, लेवल वन एंड लेवल टू। और एलिजिबिलिटी ऑफ लेवल थ्री, यहाँ पर मैथ्स जो है तीन लेवल की एग्जाम यहाँ पर हो रही है मैथ्स की। इसी प्रकार यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास फर्स्ट से 12 तक के लिए 25 क्वेश्चन है, क्लास थर्ड से 5 के लिए 30 क्वेश्चन, क्लास 6 से 8 के लिए 35 एंड क्लास 9 टू 12 से 40 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के लिए तीन सेक्शन आ जाते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, स्कॉलर जोन। इस प्रकार आपका मीडियम जो है टेस्ट का ओनली इंग्लिश ही रहता है। और आप स्कूल के द्वारा जो है, द स्कूल विच नॉट रजिस्टर विच द फाउंडेशन में ऑल्सो रिक्वेस्ट प्रपोज प्रोस्पेक्टेड सेंडिंग ईमेल एंड कॉलिंग फाउंडेशन। अगर आपके स्कूल के द्वारा इस एग्जाम को नहीं कराया जाता है तो आप डायरेक्ट भी वहाँ पर फाउंडेशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, एलिजिबिलिटी जो है क्लास फर्स्ट से 12 तक के लिए हो गया। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया किन किन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम होती है, एग्जाम डेट भी मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर हमने एग्जाम डेट देख ली है। और लास्ट डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन का है, 30 सितंबर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अर्थात स्कूल के द्वारा ही आप एग्जाम में रजिस्टर हो सकते हैं, और अगर आपका स्कूल नहीं करवाता है ये एग्जाम तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सिलेबस भी सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं और कंप्यूटर्स के हम पेपर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर्स के क्लास फर्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर एक ऐसा पेपर है जिसमें सिर्फ लेवल वन एग्जाम होती है, लेवल टू एग्जाम नहीं होती है, और यह एग्जाम क्लास फर्स्ट से 12 तक के लिए होती है। क्लास फर्स्ट से 12 तक के लिए होती है, क्लास फर्स्ट टू सेकेंड 25 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और ड्यूरेशन 40 मिनट का रहता है। अदर क्लासेस 3 से 5 क्लास है उसकी क्वेश्चन नंबर 30 होती है और 40 मिनट का समय रहता है। उसी प्रकार क्लास 6 to 8 35 क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन 40 मार्क्स एंड क्लास 9 to 12 40 क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन 50 मार्क्स। अब इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। चलिए इसके हम सैंपल पेपर देख लेते हैं। सैंपल पेपर के लिए आपको यहाँ पर खुद भी डायरेक्ट आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सैंपल पेपर ऑन कर रखा है, खोल रखा है, तो चलिए यहाँ से हम सैंपल पेपर देख लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्चुअल क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहते हैं और टाइमिंग 40 मिनट का रहता है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्क्रीन मार्कर ओपन कर लेती हूँ, फिर आपको टिक लगाकर मैं बताते जाऊंगी तो आपको इजी वे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीन मार्कर मैं ऑन कर लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर एंड स्कैनर। तो स्कैनर जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर नीड्स टू वर्क, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ए एयर, बी फूड, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी फैन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज द लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, इसमें से लाइट वेट का कंप्यूटर कौन सा है? ए लैपटॉप, बी मॉनिटर, सी कंप्यूटर, डी सीपीयू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैपटॉप, इज द लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following device help you to listen in music using computer? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि आपको कंप्यूटर यूज करने समय म्यूजिक सुनने में हेल्प करता है? स्पीकर, माइक्रोफोन, मॉनिटर, जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पीकर, स्पीकर के द्वारा आप म्यूजिक सुन सकते हैं कंप्यूटर में लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन सीपीयू टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट, इसमें से कौन सा ऐसा कॉमनली यूज किया जाता है सीपीयू में सीपीयू के डिफरेंट पार्ट्स को अटैच करने के लिए? तो यहाँ पे है डेटा केबल, डेटा केबल से हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, इसको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इसको हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? डेटा केबल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर हैज 3 एसेंशियल पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो जरूरी पार्ट नहीं है? पहला है कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, सीपीयू। तो ये 3 हमारा जो है जरूरी पार्ट है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो नॉट एसेंशियल पार्ट यानी जरूरी पार्ट कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो है जरूरी पार्ट नहीं है कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टीव हैज नो टाइप हिज नेम इन द कंप्यूटर, विच वन इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर विद हेल्प हिम द टाइप ऑफ हिज नेम। कंप्यूटर पर स्टीव जो अपना नाम टाइप करना चाहता है तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे कंप्यूटर पर उसको अपना नाम लिखने में मदद मिलेगी? ए माउस, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड, डी सीपीयू। तो कीबोर्ड से द्वारा हम कंप्यूटर पर लिखने का काम करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, हैंड इज टू डैश तो फूड इज टू, जैसे हैंड से हम ये मुक्का बना रहे हैं तो यह फूट जो है ये हाथ में पहनने के लिए दिया गया दस्ताना टाइप का, तो पैर में हम क्या पहनेंगे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी शूज, पैर में हम क्या पहनते हैं? शूज। विच वन वुड बी नेक्स्ट फिगर इन सीक्वेंस, इसमें कौन सा फिगर सीक्वेंस में आएगा? जैसे ये 3 है, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 7 स्टार यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्टार है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन फिगर गिवन फिगर, इस फिगर में कितने सर्कल हैं? तो चलिए काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11, तो करेक्ट आंसर हो गया, ये लास्ट में एक बन रहा है तो हो गया 11, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मालूम चल गया होगा कि सिल्वर जोन ओलंपियाड के एग्जाम के डेट्स क्या हैं, इसके सिलेबस क्या हैं। चलिए यहाँ पर हम टेस्ट पेपर देख लिए, सैंपल पेपर देख लिए और इसके सिलेबस अभी हमने नहीं देखे थे, तो देखिए यह क्लास फर्स्ट के सैंपल पेपर, ये सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस में है सिलेबस हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर,
यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड माउस, स्टार्टिंग एंड सेटिंग डाउन कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस पेल। नेक्स्ट है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड टोटल क्वेश्चन 25 है, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। 15 क्वेश्चंस यानी टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 सब्जेक्ट कंप्यूटर से रहेगा, कंप्यूटर साइंस से, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 5 एंड स्कॉलर जोन से 5-6। स्कॉलर जोन यानी हायर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो जिसकी आपको क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे मेल पर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।